नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको MPG 4 सेटअप बॉक्स के बारे में बताऊंगा। यदि आपका जो बॉक्स है उसमें नो सिग्नल बता रहा है, चैनल्स होने के बावजूद भी आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें DD फ्री डिस्क का डला हुआ है, और इसमें कोई भी चैनल्स मैं देखता हूँ तो सभी चैनल्स में मेरा नो सिग्नल बता रहा है। और सिग्नल क्वालिटी भी मैं देखता हूँ तो सिग्नल क्वालिटी आप जैसे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो सिग्नल क्वालिटी आप देख सकते हैं 0 बता रहा है, और स्ट्रेंथ जो है तो 37, 38, 39 के करीब बता रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और आपकी सबसे पहले चेक करना है कि आपका डिस्क जो है तो पूरी तरह से सेट होनी चाहिए। आपका डिस्क पूरी तरह से सेट है और केबल वगैरह को आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद भी आपका जो है तो गलती से आपका रिमोट से कोई सेटिंग्स ख़राब हो गई है, फिर आपको सेटिंग्स वो हो गई है, तो उसको कैसे सही करना है उसी के बारे में आपको वीडियो लेके आया हूँ। पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आप उसको सही कर सकते हैं, उसको आपको सही करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेनू का बटन प्रेस करना है। जैसे आप मेनू का बटन प्रेस करेंगे तो आपको TV स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, और आपको सबसे पहले अपने सेटअप बॉक्स में इंस्टॉलेशन के ऑप्शन में आ जाना है। तो इंस्टॉलेशन के सेटिंग्स में आप आएंगे तो कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको आ जाना है सेटेलाइट लिस्ट पे। सेटेलाइट लिस्ट में आना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पुराने चैनल्स जो डले होंगे तो पुराने चैनल्स को डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए आपको ओके बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पास आपको एडिट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो एडिट वाली बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप एडिट वाली बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पास आपको एक नंबर प्रेस करना है। एक नंबर प्रेस करने के बाद सभी चैनल्स में मार्क लगा देना है डिलीट करने के लिए, और इसके बाद आपको सेव कर देना है। तो सेव करेंगे तो यहाँ पर जो चैनल्स हैं आपके तो पूरी तरह से डिलीट हो जाएंगे। आप जैसे देख सकते हैं कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और जो आपके चैनल्स होंगे पूरी तरह से डिलीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपको मेनू के बटन में प्रेस करना है, और इसके बाद आपको सेटेलाइट लिस्ट पे आ जाना है। सेटेलाइट लिस्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि 5वें नंबर पे मेरी DD फ्री डिस्क की सेटेलाइट है, तो उसमें आपको रिमोट से इन्फो का बटन प्रेस करना है। और इन्फो का बटन प्रेस करने के बाद आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं NLB पावर जो है तो पूरी तरह से ऑफ है, तो इसको ऑन कर देना है। यहाँ पर ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए, और 13 वोल्ट 18 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको ऑन करना है, ना कि कोई सेटिंग्स 18 वोल्ट या 13 वोल्ट में करनी है। यदि 18 वोल्ट 13 वोल्ट में करेंगे तो कुछ चैनल्स आएंगे आपके और कुछ चैनल्स आपके नहीं आएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके ऑप्शन आ रहे हैं सर्च करने के लिए, तो ब्लू बटन को मैं प्रेस करूँगा, और ब्लू बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं प्रीसेट कर दूँगा। तो हमको DD फ्री डिस्क मात्र चैनल्स चाहिए तो हमको यहाँ पर प्रीसेट कर देंगे, और भी सेटेलाइट के हमको चैनल्स चाहिए तो ब्लाइंड मोड में ऑटो स्कैन करना पड़ेगा। और ब्लाइंड मोड में ऑटो स्कैन करेंगे, और FTA चैनल्स भी हमको चाहिए तो FTA में यस कर दूंगा तो हमको यहाँ पर FTA चैनल्स मिलेंगे। इसके अलावा हमको और चैनल्स नहीं मिलेंगे, तो हमको सिर्फ DD फ्री डिस्क के चैनल्स चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा ऑटो स्कैन स्टार्ट, और इसमें हमको DD फ्री डिस्क के मात्र चैनल्स मिलेंगे, और भी स्क्रैम्बल चैनल्स हमको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें जो ऑटो स्कैन किए हैं तो सिर्फ FTA में किए हैं, जो आपको फ्री टू एयर चैनल्स मिलेंगे उसको मिलेंगे। तो ऑटो स्कैन अभी आप देख रहे हैं हो रहा है, अभी चैनल्स हमको एक भी प्राप्त नहीं हुए। TP स्कैन हो रही है, तो आप देख सकते हैं TP स्कैन हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री सेट यूटल सेट के जो है सेटेलाइट, उसके चैनल्स हमको प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए ये चैनल्स देखने के लिए हमको HD में बॉक्स चाहिए, दो जो होता है फुल HD में। उसके लिए आपको HEVC सेटअप बॉक्स लेना पड़ेगा जो आपको फुल HD में रहता है। तो इसमें आपको टोटल जो यूटल सेट के हैं तो 21 चैनल्स प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर आपके जो हैं तो कुछ चैनल्स डिश TV के आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये डिश TV के चैनल्स हमको प्राप्त हुए हैं। नाम देख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट 0 Days FS ये भी है, तो आपका डिश TV के हैं, आप देख सकते हैं। पास में आपको दिखा देता हूँ, ये चैनल्स आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका अभी भी ऑटो स्कैन हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं टेस्ट में है, जो आपके चैनल्स बंद हो चुके हैं। जी के चैनल्स आते थे जो न्यूज़ के, अब इस साइड आपके DD फ्री डिस्क के चैनल्स प्राप्त होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें टोटल कितने चैनल्स प्राप्त होंगे, और अब मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कितने चैनल्स आपके चल रहे हैं। तो टोटल 53 चैनल्स हमको इसमें मिले हैं DD फ्री डिस्क पे। अभी भी इसमें TP स्कैन हो रही है, और TP स्कैन होने के बाद कितने चैनल्स हमको मिलेंगे, तो आप यदि आपको इसमें नई सेटेलाइट भी ऐड करना है तो TP के साथ, तो इसमें देख सकते हैं इस TP में जो आपको डली हुई है, इस TP में आप डालेंगे तो आ जाएंगे। इसमें टोटल जो 21 TP हमको सर्च हुई हैं, 22 हो गई हैं, और चैनल्स भी आप देख सकते हैं कि रेडियो चैनल्स जो है तो टोटल 25 चैनल्स प्राप्त हुए हैं अभी।
33 हो गए हैं और इस साइड आपको टीवी चैनल्स प्राप्त हो रहे हैं, तो टीवी चैनल्स आप जैसे देख सकते हैं इतने हुए, सिग्नल क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है 47 के करीब, और चैनल्स जो है तो टोटल हमको HD HD चैनल्स दोनों प्राप्त हो गए हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं कि जो चैनल प्राप्त हुए हैं हमको 203 चैनल्स प्राप्त हुए हैं, और रेडियो चैनल्स में 49 रेडियो चैनल्स प्राप्त हुए हैं। इस चैनल्स को करते हैं हम सेव, और सेव करने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे आप उसको सही कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सेव हो गया है। सेव होने के बाद आपको क्या करना है कि अपने रिमोट से सेट की बटन प्रेस करना है, फिर आपको सेटेलाइट को बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पर आपको DD फ्री डिश में आ जाना है। DD फ्री डिश में आने के बाद आप जैसे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर से आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि आपके जो चैनल्स हैं तो सभी चैनल्स आपके चलने लगेंगे। जो आपके नो सिग्नल बता रहे थे वो नो सिग्नल नहीं बताएंगे और आपके चैनल्स आ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो चैनल्स आपका यहाँ पर सिग्नल आ जाएगा। आपका सिग्नल क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिग्नल क्वालिटी आप जैसे देख सकते हैं 43 के करीब सिग्नल क्वालिटी है। तो इस तरह से आप अपने सेटअप बॉक्स को यदि नो सिग्नल बता रहा है तो उसको सही कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।